नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर आरोपियों से मिली, पुलिस नहीं लिख रही मुकदमा। आपको बता दें, पीड़िता के पुत्र नीरज को पड़ोस के रहने वाले गुड्डू पुत्र अज्ञात व लंकेश विगत 5 अगस्त 2023 को समय करीब 10:30 पर दिन में अपने साथ लेकर गए थे और उसी दिन घर में आकर बताया कि नीरज ग्राम भगुआपुर थाना चौबेपुर नहर में नहाते समय डूब गए। सूचना मिलते ही पीड़िता अपने दूसरे पुत्र व रिश्तेदारों को लेकर मौके पर गई, जहां नीरज का कहीं पता नहीं चला। नहर में भी बहुत तलाश किया। 6 अगस्त 23 को नीरज का 100 ग्राम दलेलपुर थाना बिजनौर कानपुर नगर में मिला। बीदनू पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर भारी चीज से हमला होना तथा गर्दन की हड्डी टूटी होना तथा अन्य कई जगह चोट आने की बात रिपोर्ट में आई। इसके बावजूद भी पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मृतक की मां श्रीमती रामश्री पत्नी देवी प्रसाद निवासिनी मकान नंबर 67 भैरमपुरा थाना नौबस्ता कानपुर नगर में पुलिस को नामजद तहरीर दिया, परंतु हत्या के आरोपियों से साथ गांठ हो जाने के कारण अभी तक FIR तक दर्ज नहीं किया। आज पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार को कमिश्नर कार्यालय से कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया गया। कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। नाम है आपका? पंकज वर्मा। आज कहाँ पे आए हैं आप? सर, कमिश्नर ऑफिस में। क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर, 5 तारीख को भैया के मिलने वाले गुड्डू और लंकेश नाम के व्यक्ति भैया को घर से 11 बजे लेकर गए। इसके बाद 3 बजे खबर आती है कि वो नहर में डूब गए। वहाँ पे पुलिस प्रशासन सब पहुँचा। वहाँ पे गोताखोर वगैरह सब ढूंढते रहे, स्टीमर चले, लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं चला। अगले दिन फिर यही प्रोसेस चला। 6 तारीख को 5 बजे थाना बिधनू के करीब दलेलपुर गांव में शव प्राप्त हुआ। इसके बाद बिधनू पुलिस ने पंचनामा कराया और बॉडी को चीलघर ले जाया गया। जब वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें सिर पर गंभीर चोट, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और शरीर में चोट के निशान हैं और मार के पानी के बाहर, फिर इसके बाद पानी में फेंका गया है। और अभी तक चौबेपुर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। ये बोल रही कि 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, आज VIP ड्यूटी लगी है। बस यही रोज प्रोसेस हो रहा है। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है। वो आज़ाद घूम रहे हैं। आप कानपुर कमिश्नर साहब और उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करते हैं? जी सर, हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जिन्होंने ऐसा किया है भैया के साथ, वो पकड़े जाएं और उनसे पूरी सच्चाई कबूल करवाई जाए कि क्यों ऐसा किया है, क्या उन्होंने ऐसा किया था। कभी वो किसी से ना लड़ाई झगड़ा, पूरे क्षेत्र में किसी से भी आप पूछ सकते थे उनकी, ना कभी लड़ाई, रिश्तेदारी में भी आप पता कर सकते हैं, ना उनकी कभी कोई लड़ाई भी नहीं होती थी। क्या कारण है जो उन्होंने ऐसा किया? और गुड्डू के ससुर भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि हाँ, हमें छोड़ने आए थे और वो बोल रहे हैं कि यहीं से कूदे थे नहाने के लिए, और वो भी वहाँ पे चौबेपुर पुलिस में उनकी थोड़ी पहुँच है, तो वो कुछ कार्रवाई बढ़ने नहीं दे रहे हैं।